हे गाइस व्हाट इज अप, मैं आपको बताऊंगा कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज हुई खुदा हाफिज वो वर्थ वॉचिंग है भी या नहीं और उसमें क्या अच्छा है और क्या बुरा। तो मूवी की स्टोरी कुछ ऐसी है कि समीर और नरगिस दोनों की शादी हुई है नई और फिर 2008 में इंडिया में बेरोजगारी आती है जिससे इन दोनों की जॉब भी चली जाती है और ये परेशान हो जाते हैं, मतलब जॉब ढूंढते इनको नहीं मिलती है। फिर ये मजबूरन जो बाहर नोमान में अपने रिज्यूमे सेंड करते हैं दोनों एक साथ, पर जो नरगिस है वो पहले सिलेक्ट हो जाती है और फिर जो समीर है वो 6 दिन के बाद सिलेक्ट होने वाला होता है। पर फिर आगे जाके वो जो नरगिस है वो अकेली चली जाती है, फिर आगे जाके जो है समीर को पता चलता है कि जो नरगिस है उसकी वाइफ किडनैप हो चुकी है और ये सब सुन के वो भी नोमान के लिए निकलता है। और क्या वो मतलब जो समीर है वो नरगिस को ढूंढ पाएगा, क्या वो वापस इंडिया ला पाएगा उसको, तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब देती है ये पूरी मूवी। तो यार बात करते हैं इसमें क्या अच्छा था और क्या बुरा। गाइस सबसे पहले अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं, तो अच्छी चीज़ों में यार मुझे ये लगा है कि डायरेक्शन बहुत अच्छा था मूवी का, क्योंकि 2 घंटे की मूवी है फिर भी आपको स्लो नहीं लगेगा इसका स्क्रीन प्ले और ये आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होने देगी। और जो दूसरी मुझे अच्छी बात लगी वो ये थी कि जो नोमान कंट्री को यूज़ किया है, मतलब वहाँ की लोकेशंस और जो एरिया और जो हमको दिखाया ना मूवी के अंदर, वो भी आप देखोगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। और गाइस मुझे एक और बात जो अच्छी लगी वो ये थी कि विद्युत जामवाल का एक एक्शन सीक्वेंस आएगा जब एक मतलब छोटी सी गली टाइप में उनको बहुत सारे लोग घेर लेंगे और उस टाइम पे वो जैसे चाकू चलाएंगे और जैसे मारेंगे ना लोगों को, वो देख के मतलब आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। तो बात करते हैं यार मूवी में क्या जो मुझे अच्छा नहीं लगा वो ये था कि विद्युत जामवाल को पता नहीं शायद क्या हो गया था उस टाइम पे, मतलब कहीं कहीं पे उनके जो सीन्स है वो डल लगे, घबराते हुए लगे ऐसा, और लगा कहीं कहीं पे कि थोड़ी सी ओवर एक्टिंग हो रही है। पर फिर भी यार उनके मतलब कुछ कुछ सीन्स बहुत अच्छे हैं, पर कुछ कुछ में डल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ कुछ सीन आपको डल देखने को मिलेंगे कि वो क्यों नहीं कर पाए वो वाले, वो और अच्छे से कर सकते थे उन सीन्स को। और गाइज एक और बात मुझे ये लगी कि जो बस अन्नू कपूर का कैरेक्टर और एक और जो विद्युत जामवाल का कैरेक्टर है, इन दोनों को थोड़ा बहुत अच्छे से डेवलप किया है, बाकी के किसी भी कैरेक्टर को डेवलप नहीं किया है जो कि जिससे आप इमोशनली कनेक्ट हो पाओ या आप किसी से भी कनेक्ट हो पाओ। और स्पेशली जो विलन है उसका तो मालूम भी नहीं पड़ेगा कि वो कब आया कब गया, विलन जो मेन विलन है ना उसका, उसके कैरेक्टर में भी कोई भी डेप्थनेस नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके बारे में। तो इतने सारे इश्यूज होने के बाद भी मैं यही बोलूँगा कि ये मूवी एक अच्छी डिसेंट मूवी है, वन टाइम वॉच मूवी है जिसको आप एक बार तो देख सकते हो अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि इस मूवी के अंदर एडल्ट डायलॉग्स और एडल्ट सीन इतने नहीं है तो आप इसको फैमिली के साथ भी देख सकते हो। बस इसीलिए मैं इस मूवी को रेट करूँगा 7 out of 10 stars। तो यार आज के मेरी वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।